आपने नामदेव का नाम सुना नहीं क्या? नामदेव हमारे इस भारत भूमि के बहुत महान संत हुए हैं। और आप विश्वास करिए, नामदेव उन संतों में है कि विठल रोज बात करते थे, भगवान श्री कृष्ण रोज उनसे बात करके जब तक मिल नहीं थे साथ बैठ के खाना खाते थे। लेकिन उनके नामदेव के सदगुरु नहीं थे। एक दिन विठल ने कहा भाई गुरु कर ले। बोले पागल हुए हो, रोज आपके साथ बैठता हूं खाना खाता हूं, अब आपसे कोई बड़ा है क्या? बोले नामदेव तू मेरा यही रूप जानता है। बोले आप मैं तो पहचान लूंगा आपको, आप चिंता मत करिए। आपको ज्ञान देना था नामदेव जी को। बोला ठीक है। तो एक दिन नामदेव जी नहाने गए, विठल ने कहा आप इसको समझाना ही पड़ेगा, बिना समझे नहीं मानेगा। तो लक्ष्मी जी को बोला भाई चल, एक भैंसा लिया, सारा सामान लोड किया और जहाँ नामदेव नहारा था वहीं डेरा डाल दिया। अब नामदेव जहाँ नहारा था वहाँ उन्होंने चूल्हा जलाया, पतीली रखी और अपने पास दाल चावल था वो डाल दिया। तो नामदेव को सुनाकर लक्ष्मी जी कह रहे अजी सुन रहे हो? बोले हाँ भाग्यवान बोल। बोले वो दाल चावल लाए वो पतीली में डाल दिए, अब पतीली फिर भी खाली है। बोले भैंसे को भी डाल दे। वो लक्ष्मी जी ने भैंसे को भी डाल दिया। बोले और क्या है? बोले पतीली अभी भी खाली। बोले वो नारा है ना उसको भी डाल दो। वो नामदेव ने सुना है मेरा नंबर आने वाला और इतना जोर से भागा कि उसको पता भी नहीं धोती कहां रह गई। जब विठल के सामने गया बोले नामदेव बोले जल्दी आ गया। बोले प्रभु हम सोचा आपको भूख लग गई होगी इसलिए जल्दी आ गए। बोले ये बात तो ठीक है लेकिन धोती कहां है? देखा राम राम सत्ता तो हाथ निकाल मूर्ति में से कहा ये तो नहीं है। नामदेव को लगा गया तो गड़बड़ हो गई। बोले तूने तो कहा पहचान लेंगे, तो बाद पंडरपुर जाओ, वहां सदगुरु थे। जब पंडरपुर गए तो देखा जो गुरु महाराज जी शिवलिंग के शिवलिंग पे पैर देके आराम से सो रहे हैं। बोले ना विठल भी कैसा बेवकूफ है, मुझे कहां कहां भेज रहा। जिस आदमी को यह पता नहीं कि शिवलिंग पे पैर देके सोना चाहिए वो मुझको ज्ञान क्या देगा। बोला भाई तू भगवान के ऊपर पैर देके सो रहा है। बोला भैया तेरी जहां मर्जी वहां रख देना, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं। उठा के जहां रखा वहां से एक शिवलिंग पैदा हो गया। ऐसे पांच जगह हैं, तो नासिक में आप जाओगे पंडरपुर तो पांच शिवलिंग है। उसने कहा गलती हो गई माफ कर, मुझे विठल ने भेजा ज्ञान दे दे। और जब भीतर में ज्ञान की जोत जगाई तो वापस वहां नहीं गया, वहीं पंडरपुर में भजन में बैठ गया। एक दिन लक्ष्मी जी कहने लगी बोले प्रभु आपको बिना मिले खाना नहीं खाता, भगत कहाँ है? बोले आजकल मस्त है। तो विठल को फिर समझ में चलो अब मिल के आते हैं, अब पहचानता कि नहीं पहचानता। तो नामदेव जी सुबह भजन वजन करके बैठे थे, खाना पका रहे थे, खाना पका के रखे ही था, रोटियां जरा मोटी मोटी सूखी हो गई थी। तो भगवान वहां कुत्ता के रूप में गए और ज्यो नामदेव खाना लगे रोटी छीन के भागने लगे तो हंसने लगे। बोले विठल बहुत सेवा की हूँ तेरी मेरी, मैं तेरे गले को अच्छी तरह जानता हूँ, गला छिल जाएगा, मेरी रोटियां मोटी है थोड़ा घी लगवा ले। विठल बोला वही प्रभु प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ? बोले अब पहचान लिया तू ही है वो। बोले लेके कहाँ भाग रहा है, तेरा गला मेरे से ज्यादा कौन जानता है। कब पहचाना? जब सदगुरु ने वो आंख, यदि वो आंख आपके पास में है तो विश्वास मानिए आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और मनुष्य जीवन पाकर यदि उस आंख से अपन वंचित रह गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ना ये तो सच्ची मित्रता है, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति या बड़ा साधुता और गुरु की बात नहीं। एकांत बैठकर एक बार सोचे ना कि जिस चीज की वजह से इस संसार में आप मौजूद है कभी उसको देखा? जिस चीज की वजह से दुनिया तुम्हें हाय हेलो करती है, बीवी कह रहे मेरे पति है, पति कह रहे मेरी पत्नी है, कोई कहता मेरा बेटा है, कोई कहता मेरा भाई है, और वो निकल जाए तो है बोले जल्दी करो भाई लेट हो रही है। और ऐसे अचानक भूख में मौत लग जाए, पहले खाना खाते बाद में लोग रोते हैं। मैंने एक केस कई बार देखे हैं, बोले भाई ये तो मर गया मैं भूखे थोड़ी रहूंगी। मैं सच कह रहा हूं, इस जीवन की कदर तब तक की है जब तक तुम्हारे भीतर में वो श्वास, और इन श्वासों को समझो नहीं तो पछताओगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सुंदर शरीर है और इस सुंदर शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा की सुंदर वस्तु जिसकी वजह से आप चल रहे वो विराजमान है। इन श्वासों को समझे
इन श्वासों को भेद को समझे। यदि एक बार आपने श्वासों को समझ लिया तो विश्वास करिए संसार आपकी मुट्ठी में होगा। और अभी आप श्वासों को नहीं समझे तो आप कुछ भी कर लीजिए, रहेंगे अंधेरे के अंधेरे में। और ये काम है सदगुरु का, जो नानक ने बोला। नानक साहब तो यदि सदगुरु के बारे में सुनना तो नानक साहब से सुनो, कबीर साहब से सुनो, दरिया और दादू से सुनो। नानक साहब तो और कुछ कहते ही नहीं। नानक ने इतनी प्यारी बात की कि कहते गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी हो, कह नानक गुरु है जताई, गुरु बिन मुक्ति पाइए न भाई। और नानक ने तो शरीर के बारे में बहुत कुछ कहा है, किलक 84 भ्रम दिया मानव जन्म पायो, कहे नानक अब नाम संभाल सो दिन नेड़ो आयो। और लग 84 भरमत भरमत पौपे पटका आए, और अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 ये मौका मिला है, ये सुंदर जीवन मिला है। और इस सुंदर जीवनों को पाकर उस जीवनी शक्ति का एक बार हमें बोध हो जाए तो हम जीते जी उस परमानंद और इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई, मुझे इतना ही कहना था। सबको मेरा आशीर्वाद, परमात्मा उसमें सुखी और चैन से रखें। हमेशा तुम्हारे जीवन में ये चांद उगा रहे और तुम हमेशा उजाले में रहो, इन्हीं आशाओं के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद। अरे हेली मारी आयोड़ा एस तारा दीजो वारना, अरे हेली मारी आयोड़ा एस तारा दीजो वारना, अरे आयोड़ा एस तारा दीजो वारना, अरे चढ़ती बड़े तुम्हारा करो ये, अरे नुगरा मानसरी संगति नहीं करो ये, अरे नुगरा मनखारी संगति नहीं करो ये, जड़चू घटे तुम्हारो ना जिनसी घटे तुम्हारो माने, जिनसी घटे तुम्हारो माने, मन मारी ये नीजे आयोड़ा संतारा लीजो भरना, अरे मेरी आयोड़ा मनखारी साबत नहीं करो ये, अरे नुगरा मनखारी साबत नहीं करो ये, चढ़ती घट तुम्हारा नाम घट तुम्हारा नाम, मारी है ली आयोड़ा सरकारा लीजो वरना।